अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज की इस वीडियो के स्टार्ट से ही आप ये सोचना शुरू हो गए हैं कि भाई ये क्या चीज़ है और इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या ये जुल्म है, क्या ये हो रहा है। भाई देखिए जी, इसकी दादी अम्मा हैं ये, और वो इस बच्चे को गाची का पोचा लगा रही हैं। अब आप ये सोचेंगे कि गाची का पोचा क्यों लगा रही हैं? गाची तासीर भी ठंडी होती है और इसकी कमर पे, इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकले हुए हैं। गर्मी दाने छोटे छोटे जिसे पित कहते हैं ना, वो वाली, उसमें रेशा वगैरह नहीं होता, लेकिन वैसे उसकी इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। यकीनन आप जान सकते हैं कि पित की क्या डेफिनेशन है। गर्मियों में ये दाने गर्मी की वजह से निकल आते हैं। कुछ ये हमारा आप देख सकते हैं कि खुला माहौल है, यहाँ बच्चा जो है हमारा पिता है ऐसे ही करीब भी, कभी धूप में कभी छाँव, तो बस फिर इसको भी निकल आए हैं। और फिर ये रात को इतना रोया, इतना इसने तंग किया, तो इसकी दादी अम्मा ने क्या किया कि गाची ली है, गाची को उसके बॉडी के ऊपर लगाने की कोशिश की। और उससे ज़्यादा इसके पापा को फिक्र थी कि भाई इस तरह ना लगाएं, इसको पीस के लगाएं। तो फिर उन्होंने इससे, ये देखिए आपके सामने दिखा रहे हैं, पानी का थोड़ा थोड़ा शावर करते हुए इसको पीस लिया है। इतनी सख्त नहीं होती, बहुत आसानी से पीस जाती है, बिल्कुल जैसे मड मास्क होता है ना ऐसे बना के। और अब देखें, अब उन्होंने कहा कि इस तरीके से लगाएं और ये अच्छे से लग जाएगी, अच्छे से इसका लेप हो जाएगा। इस तरह वो गाची का जो टुकड़ा था वो रगड़ा जा रहा था ना, तो लेकिन इन्होंने कहा कि इस तरीके से लेप करके लगाएं। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि इसको लेप करने का जो फ़ायदा है वो ये है कि बॉडी के ऊपर बिल्कुल ठंडक का एहसास होने लगता है, और जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी बॉडी में और पित्त की वजह से, दानों की वजह से बच्चा रो रो के हलकान था, वो भी ठीक है। देखिए अब इसके फेस पे भी लगा दिया है और अब इसे कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसे नहला दिया था, और गाची लगाने से पित्त का जो इशू है, जो उसकी तकलीफ़ है, वो ख़त्म हो जाती है। ये तकरीबन 2 से 3 बार ऐसा करने से बिल्कुल आराम आ जाता है। और ये वही गाची है जो कि गांव के माहौल में बर्तनों के पीछे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप लोग भी गाची इस्तेमाल करना चाहते हैं गर्मी दानों के लिए, तो यकीनन कीजिए। ये बिल्कुल भी मुजरे सेहत नहीं है, केमिकल फ्री है। और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।